नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर राजेश यादव मेरे साथ हैं और ये एनडीआरआई करनाल से इन्होंने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एलपीएम पर जो है इन्होंने परास्नातक यानी पीजी किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन है इनका। और बहुत सारे हमारे पशुपालक भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं जो ये पूछते रहते हैं कि हमारे पास जो काफ है, हमारे बछड़े हैं, बछिया हैं, कटे कटिया जिसे पड्डा पड़िया भी कहते हैं, वो हमारे कई बार नहीं बच पाते हैं। वो ब्याने के बाद बीमार हो जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं, उनको खूनी दस्त आने लगते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिससे वो अपना असमय जो है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो डॉक्टर राजेश हमें आज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी जानकारी देंगे कि जिसकी वजह से हम ये काफ मैनेजमेंट जो है इसको समझ पाए और हमारे पशुपालक जो है वो इस तरह से अपने पशुओं को बचा पाए। तो डॉक्टर राजेश आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद सर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काफ मैनेजमेंट शुरू कैसे होगा, कब से शुरू होगा, क्या ये गर्भावस्था से शुरू होगा कि या ये पशु के ब्याने के बाद शुरू होगा, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे कि बछड़ों बछिया या कटड़ा कटियों का जो असामयिक मृत्यु हो जाती है जिससे हमारे पशुपालक भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको उनके अगर प्रबंधन की बात की जाए तो डॉक्टर साहब ये गर्भावस्था पशु के गर्भावस्था के आखिरी तिमाही से ही शुरू हो जाता है इसकी प्रबंधन। अच्छा, मतलब ब्याने का इंतजार ना करें, हम पहले से ही एक्टिव बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल, आपको 3 महीना ब्याने से पहले ही उसकी माँ को, जो गर्भवती माँ है उसको आपको एक पेट के कीड़े की दवा पिलानी होगी। उसमें भी गर्भावस्था वाले जो कीड़े की दवाएं होती हैं वो अलग आती हैं। कई पशुपालकों को ये भ्रम होता है कि अगर हम कीड़े की दवा दे देंगे तो कहीं अबॉर्शन ना हो जाए। नहीं नहीं, वो इसलिए वो भ्रमित होते हैं क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसे आती हैं जिनको पिलाने से वो ऐसा होता है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी भी आती हैं जो के जिनको पिलाने से हाँ वो प्रेगनेंसी सेफ होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे देना जरूरी होता। तो मतलब एक बात तय है कि हमें आखिरी तिमाही में डिवर्मिंग मदर की करनी है। बिल्कुल, अगर प्रबंधन की बात करेंगे आप अपने काफ की, बछड़े की, बछिया की, तो आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा। उसके बाद जैसे ही आप ये काम करते हैं उसी समय माँ को, चूँकि बच्चे का डेवलपमेंट उस समय हो रहा होता है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो डेवलपमेंट होता है वो आखिरी तिमाही में होता है बच्चे का, तो उस समय बच्चे की ग्रोथ के लिए आपको माँ को कंसंट्रेट यानी दाने की जो है धीरे धीरे उसकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ानी पड़ेगी। धीरे धीरे कंसंट्रेट दाना देना उसे शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वरना गाँव में ये सिस्टम है कि अब ब्याह गई तो अचानक फिर ब्याने के बाद वो बहुत कुछ दे देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इसकी मैनेजमेंट और प्रबंधन की बात करेंगे तो वहाँ से अगर ये शुरुआत करते हैं तो एक अच्छा या स्वस्थ जो है बछड़ा या बछिया या कटड़ा कटिया वो प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे कंसंट्रेट देने के साथ साथ जैसे लोग कैल्शियम भी देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं अब लेकिन ये गलत का समय करीब आ गया है, कैल्शियम दे दें। लेकिन ये गलत है डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप कैल्शियम देते हैं अपने पशु को लास्ट के टाइम पर तो आपका पशु के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे पशुपालक भाई इस बात को नहीं जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में अगर दूध का प्रोडक्शन कैसे घट जाएगा जब हम कैल्शियम दे रहे हैं। तो कैल्शियम देने से क्या होता है कि जो पशु के दूध बनाने की क्षमता होती है वही प्रभावित हो जाती है, वही उसी की वजह से कैल्शियम बच्चा जब पैदा होता है तो वो दूध देने की क्षमता उसकी उतनी नहीं होती है जितना। कई बार ये मिल्क फीवर का भी कारण बनने लगता। बिल्कुल बिल्कुल, मिल्क फीवर जैसी बीमारियों को अभी यही कारण बनता है। इसलिए ऐसे समय पर पशुपालक भाइयों को LSP जो होती है, लाइम स्टोन पाउडर यानी चूना जो होता है, उसको 100 ग्राम अगर वो डेली देना चाहें या अगर वो कोई मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं अपने पशु को तो इसको भी इससे मैनेज किया जा सकता है। मतलब मिनरल मिक्सचर दें, बाकी कोई लिक्विड कैल्शियम या अलग से कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है, और डाइट अच्छी रखें, कंसंट्रेट बढ़ाते रहें, डिवर्मिंग करें, तो ये तो मदर की बात हो गई। बिल्कुल, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने पर
सबसे जो मैंने सबसे बड़ी कमी पशुपालक भाइयों को देखी है कि वो खीस जो होता है यानी माँ की जो दूध होता है कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं वो बच्चे को नहीं पिलाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा मिथ मैंने देखा है गाँव में कि ये दूध जो है उनके लिए ही नहीं है। और कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब तक जेर नहीं गिरेगी, चार घंटे जेर नहीं गिरी तो हम उसको बच्चे को पिलाएंगे। और ये बहुत बड़ी जो है वो समस्या उनके दिमाग में है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा सभी पशुपालक भाइयों से कि ये सब बिल्कुल गलत है। आप उस कोलेस्ट्रम को निकाल करके, वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो दूध ही नहीं है। क्योंकि पूरे समय में माँ ने जिन जिन बीमारियों के साथ संघर्ष किया है उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता उस दूध में है। सारे एंटीबॉडीज हैं, सारे एंटीबॉडीज हैं। अगर वो दूध आपने आधे घंटे के अंदर नहीं पिलाया तो फिर उस दूध का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए उस दूध को पशुपालक भाइयों आपको एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटे बाद नहीं, आधे घंटे के अंदर पिलाना है आपको, जितना जल्दी हो। बिल्कुल, अगर आधे घंटे के अंदर आपने उस दूध को पिला दिया तो 50% तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो है बछड़ा बछिया जो है वो इम्यून हो जाता है और तमाम बीमारियों से बचा रहता है। जो ये तमाम दस्त लग रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, तो वो सबसे वो उसको अपने आप एक दवा मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इससे ये बात मतलब तय होती है कि अब आप लोग जो है अपने पशु बछड़े बछिया या कटरे कटिया को तुरंत उसको आधे घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम जरूर पिलाएंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या दूसरी आप फेस करते हैं एक हफ्ते के अंदर वो होती है नेवेलिल, जिसको कहते हैं नहीं कि वो उसका नाभि जहां होती है वहां पकने लगता है। उसका मेन कारण ये होता है कि आप जो है बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप को चाहिए कि कोई भी आपके घर में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन रखा हो, चाहे बीटाडीन हो, चाहे सेवलान हो, चाहे डिटॉल हो, चाहे टिंचर आयोडीन हो, उसको डिप करवा दीजिए। डिप करवा करके उसे छोड़ दीजिए। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप नेवेलिल जैसी जो बीमारी यानी जो नाभि के में पक जाता है वो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और वो ये बीमारी अगर हो जाती है तो ये यही बीमारी नहीं होती है, ये एक दूसरी बीमारी जॉइंटेल जो आपने देखा होगा कि वो घुटनों में उसके घुटने पकने लगे पस आने लगा उनसे, वहां से पस आने लगता है, फिर गठिया हो जाता है, लोग कहते हैं गठिया हो गया। वो कठिन तो होता है, ये बीमारी जो है इसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए पशुपालक भाइयों ये है तो बड़ी छोटी सी बात लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या का जो है कारण बनती है। और जिस पशु को या जिस बछड़े बछिया को ये ज्वाइंट नील और नेवल नील हो गया वो 90% ये मान लीजिए को बचेगा नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या से आप जो है समस्या सिर्फ उसकी एक रोकथाम है कि आप उसको डिप करा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। समय रहते अगर उसको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप डिप करा देते हैं बिल्कुल, तो आप बच सकते हैं। तो इसी तरह से सर अगर नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिवर्मिंग के बारे में बड़ा मिथ है। कुछ लोग कहते हैं एक महीना बीत जाने दें उसके बाद कीड़े की दवा दें, कुछ लोग कहते हैं जब कोई दिक्कत होगी तब देखेंगे। तो पहली जो डिवर्मिंग है यानी कीड़े की कृमिनाशक दवा वो कब देनी चाहिए? देखिए अगर आपने मैंने जैसे कि बताया कि गर्भावस्था के दौरान अगर उस तिमाही पर माँ को डिवर्मिंग कर दी गई है तब तो आप 15 दिन पर जो है बच्चे को जैसे ही पैदा होता है 15 दिन पर एक 15 ml से जो है डिवर्मिंग कर दीजिए, चाहे अल्बोमार हो या पिपराजीन भी आती है, तमाम जो इस तरह की दवाइयां चाहे पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लें चाहे किसी से उसको दे दें 15 दिन पर। उसके बाद अगले नेक्स्ट 15 दिन पर 30 ml दे दें। फिर ये हर महीने 30-30 ml जो है उसको दवा दे करके कृमिनाशक दवा दे करके उसका डिवर्मिंग कराते रहें। तो ये समझ लीजिए कि 90% इनके जो बछड़ों और कटड़ा कटियों के मरने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि हमने जो बातें आज आपके साथ डिस्कस की तो उसमें जो मैनेजमेंट था वो ब्याने से पहले ही शुरू हो गया, यानी आखिरी तिमाही में हम उसे अपने पशु की डिवर्मिंग कराएं, उसको कंसंट्रेट धीरे धीरे बढ़ाएं, दाना देना शुरू करें, एक्स्ट्रा कैल्शियम ना दें, अगर मिनरल मिक्सचर या लाइमस्टोन पाउडर देना चाहें तो आप उसको देते रहें। और उसके बाद ब्याने के बाद हम उसको आधा घंटे के अंदर, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जितना क्विक जितना जल्दी हो सके जेर गिरने की प्रतीक्षा ना करें, आप उसको तुरंत जो है कोलेस्ट्रम खीस जो है वो पिलाएं।
और जो दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमारे पशुपालक भाई जरूर अपने कहीं नोट कर लें कि नेवल ले लिया नहीं, जो नाभि का संक्रमण होना है और जो घुटनों का संक्रमण होना है उसको बचाने के लिए आप डिप करें, जो नेवल होती है जो नाभि का वो हिस्सा होता है उसको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पे आप डिप करें, और डिवर्मिंग के लिए 15 दिन और उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 दिन और फिर हर महीने पे 6 महीने की एज तक आप उसकी किसी अच्छे साल्ट से, सेफ साल्ट से डिवर्मिंग करें। तो डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, हमारे जो चैनल से जुड़े हुए पशुपालक हैं वो आपकी जानकारी से लाभान्वित होंगे। हम फिर डॉक्टर साहब से किसी नई चर्चा के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।